एक पॉइंट लोड पी भी लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक, इसमें लग रहा है यूडीएल और एक पॉइंट लोड लग रहा है पी। यूडीएल की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू पर मीटर रन, ठीक। स्पैन कितना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा? उसके सेंटर। तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा, मिड स्पैन पे सपोर्ट्स तो होगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट क्या सिंपल एंड है, तो आंसर आएगा सिर्फ। अब चलते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक बीम बनाया यूडीएल वाला, एक बीम बनाया सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड वाला, ठीक। इसके कारण मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कितना मिलता है? डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट, और इसके कारण कितना मिलता है? पी एल बाई फोर, ठीक। दोनों को क्या कर दिया है? तो पी एल बाई फोर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट एट मिड स्पैन। हड़बड़ी में क्या करता है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर को मार कर देता है, जैसे ही गोला लगाता है ओमर में, इधर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मिड स्पैन, मिड स्पैन पे ही आएगा, ये सपोर्ट पे नहीं आएगा, तो हड़बड़ी में आंसर मार्क नहीं कर, ठीक। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन।